हेलो एवरीवन, हिंदकोश डिक्शनरी वोकैबलरी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुईस के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम बात करेंगे साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में, जो कि बुक में सेशन 11-13 को कवर करेगा। इससे पहले हमने पर्सनालिटी, डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के बारे में भी बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुछ वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिलेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपल एंड द स्टार्स के बारे में, कि किस तरह से इनसे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं और उनके किस तरह से मीनिंग हम निकालेंगे। पहले हम एक क्विक ग्लिम्स देख लेते हैं कि सेशन 11 में हम कौन कौन से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। इतने सारे वर्ड्स, 10 साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम जान रहे हैं सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जब हमने बात किया था पर्सनालिटी टाइप के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, कि ये वर्ड कहाँ से आया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट में जो रूट वर्ड है वो है एंथ्रोपोस, जो कि अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है मैनकाइंड। लोगोस सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है स्टडी। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे लोगोस लगा है तो इसका मतलब कि वो किसी स्टडी या साइंस से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? मैनकाइंड की स्टडी, मनुष्य जाति का विज्ञान, कि जिस स्टडी में, जिस साइंस में ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड स्टडी की जाती है, चाहे वो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोसाइटीज़ है, या प्रेजेंट के बारे में है, पास्ट के बारे में है, किसी भी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो उसे, उस स्टडी को हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। और जो पर्सन इस स्टडी को करता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी हिंदी में इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन हुआ? एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? दे कंसीडर द पास्ट थ्रू आर्कियोलॉजी टू सी हाउ ह्यूमन ग्रुप्स लिव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। इवन वो प्रेजेंट में भी ह्यूमन बींग की स्टडी करते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ एंथ्रोपोलॉजिकल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्टार। इतने सारे वर्ड्स हम एस्ट्रॉन रूट वर्ड से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमर की, एस्ट्रोनॉमर। उससे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी वर्ड कैसे बना। एस्ट्रोनॉमी वर्ड बना है एस्ट्रॉन से, जिसका मीनिंग होता है स्टार, और नोमोस। नोमोस अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट या ऑर्डर। तो एस्ट्रोनॉमी क्या हुआ? स्टार का अरेंजमेंट, उसकी स्टडी, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल। खगोलीय पिंड जितने भी होते हैं यूनिवर्स में, उसके बारे में जो स्टडी करता है, उसकी अरेंजमेंट, उसकी प्लेसमेंट के बारे में जो स्टडी होती है, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। और जो पर्सन ये स्टडी करता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। अ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, या फिर वन हु मेक्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल फिनोमिना। फिनोमिना दैट मीन्स जो भी घटनाएं होती हैं खगोलीय पिंडों से रिलेटेड, उसकी जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एस्ट्रोलॉजर। साइंटिस्ट, एक तरह का साइंटिस्ट है ये। पहले जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसकी स्टडी के बारे में। एस्ट्रॉन स्टार,
एंड लोगोस दैट मीन्स स्टडी. सो स्टार की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है. दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंटरप्रिटेड एज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड. एस्ट्रोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र. कि किस तरह से यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं या खगोलीय पिंड हैं, सन है, मून है, उसका इफेक्ट किस तरह से आपके ऊपर पड़ रहा है, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी. और जो इसकी स्टडी करता है या जो ये बताता है कि किस तरह से आपका फ्यूचर इन खगोलीय पिंडों, स्टार्स और मून्स के थ्रू कवर किया जा रहा है या चलाया जा रहा है, उस पर्सन को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर. वन हु यूजेस एस्ट्रोलॉजी टू टेल अदर्स अबाउट देयर कैरेक्टर और टू प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर, वो कौन होता है? एस्ट्रोलॉजर. और एस्ट्रोलॉजर की किसकी स्टडी करता है? एस्ट्रोलॉजी की. एस्ट्रोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ. यहाँ पर एक वर्ड हम देख रहे हैं, जोडियक. एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर नॉर्मली जोडियक साइन को भी देखते हैं. आप भी सुबह सुबह जब उठते हैं तो कितनी बार होता है न्यूज़पेपर में आप देखते हैं अपना भविष्य देखते हैं, तो वो भविष्य आप किसके थ्रू देखते हैं? जोडियक साइन के थ्रू, राशिफल के थ्रू, जो आपकी राशियाँ होती हैं उसके थ्रू. 12 राशि होती है. अब ये वर्ड कहाँ से आया? लैटिन में एक वर्ड है, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है, वो है जोयोन. ठीक है, जोयोन. जोयोन रूट वर्ड से आपको ये जोडियक वर्ड मिला. जोयोन का मतलब क्या होता है? एनिमल. इसीलिए आप ध्यान दें कि जितने भी जोडियक साइन हैं वो किसी ना किसी एनिमल को डिनोट करते हैं, किसी ना किसी एनिमल को डिनोट करते हैं. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट में पहला वर्ड तो है एस्ट्रॉन, जिसका मीनिंग हुआ स्टार. जो दूसरा वर्ड हमें मिल रहा है वो है नॉटिस, जिसका मीनिंग होता है सेलर, या नॉस, जिसका मीनिंग होता है शिप. तो ऐसा सेलर जो स्टार के बीच में ट्रैवल करे उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री. ठीक है, तो अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. अब एक और वर्ड आप देखेंगे, कॉस्मोनॉट. कॉस्मोनॉट में कॉस्मोस एक ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है यूनिवर्स. नॉटिस, सेलर, अगेन कॉस्मोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट एक तरह से सिनोनिम्स हैं. तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर कोई पर्सन स्पेस में रशिया के थ्रू जा रहा है, रशिया कंट्री के थ्रू जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कॉस्मोनॉट. और अगर अमेरिका के थ्रू जा रहा है तो वो कहलाता है एस्ट्रोनॉट. अमेरिका के थ्रू ही नहीं, अगर अन्य किसी देश के थ्रू वो स्पेस में जा रहा है तो वो कहलाता है एस्ट्रोनॉट. आजकल एस्ट्रोनॉट बहुत ही कॉमन वर्ड है. कॉस्मोनॉट एक लिमिटेड प्लेस में यूज़ किया जाता है. तो एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट एक ही शब्द हैं, एक ही मीनिंग है इनका, मतलब अंतरिक्ष यात्री, ऐसा पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करे. मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. अब हम बात कर रहे हैं नॉटिस, नॉस रूट वर्ड के बारे में. इसके बारे में आपको पता है नॉटिस का मीनिंग क्या होता है? सेलर. ठीक है, और नॉस का मतलब होता है शिप. ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था. तो इसे कौन कौन से वर्ड बने? नॉटिकल. नॉटिकल एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू सेलर, सेलिंग ships और navigation. That means समुद्र के अंदर जो डिस्टेंस मेजर की जाती है ना, वो नॉटिकल माइल्स में की जाती है. तो ये स्पेशली समुद्र के अंदर जो मेजरमेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है. जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नौशिया. नौशिया में जो रूट वर्ड है वो है नाउ, जिसका मीनिंग होता है ship. एक तरह की सिकनेस है ये, आपको पता होगा कि कभी कभी ship में जाते हैं या जब ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, लैंडिंग के समय या टेक ऑफ के समय, कुछ लोगों को अजीब सी फीलिंग होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है. ऐसी फीलिंग होती है कि उनको अब वॉमिटिंग होने वाली है. तो इसको फीलिंग को हम बोलते हैं नौशिया. तो नौशिया वर्ड जो है उसमें जो रूट वर्ड है वो है नॉस. क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है एस्ट्रोफिजिक्स.
सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स किसे बोलते हैं। इसमें रूट वर्ड है एस्ट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है स्टार, और फिजिक्स एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एंड थियोरीज ऑफ फिजिक्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी ब्रांच है, जहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके भौतिक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और ऐसा पर्सन जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन स्टडिंग स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स। तो क्लियर हो गया एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिस्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिक्स में जो एस्टर वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। आप भी हमेशा यूज़ करते होंगे इस तरह का साइन, राइट? इसको हम नॉर्मली बोलते थे हैं स्टार है, पर ये स्टार नहीं है, इसका सही नेम है एस्ट्रिस्क। ये एक सिंबल है जो कि टेक्स्ट में लिखा जाता है, और ये रीडर को ये बताता है कि फुट नोट में, पेज के एंड में कुछ स्पेसिफिक, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। जब आप LIC का डॉक्यूमेंट लेते हैं या कोई क्लेम लेते हैं तो वहाँ पे पूरा पेज पढ़ लेते हैं, पर वहाँ पे पहुँच जगह पे आपको ये इस तरह का साइन मिलता है एस्ट्रिस्क साइन, जिसका मीनिंग होता है कि आप नीचे जो लिखा हुआ है, फुट नोट पे जो लिखा हुआ है, उसे ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है, बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिखा होता है। तो एस्ट्रिस्क क्या है? इज़ अ सिंबल used to refer readers to a note at the bottom of a page of text or to show that a letter is missing from a word. Clear? तो asterisk sign आप कहीं पर भी अगर देखें बुक में तो उसके नीचे का जो footnote है वहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, वहाँ पर कुछ ना कुछ important आपको ज़रूर मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एस्ट्रॉन से एक और वर्ड बनता है disaster। अब आप सोच रहे होंगे disaster कैसे बन रहा है, इसमें कैसे स्टार से रिलेटेड वर्ड है? तो यहाँ पर डिस जो है ये प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, ठीक है? और एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। पहले के समय में क्या होता था कि ज़्यादा साइंस होती नहीं थी, अगर कोई मुसीबत आ गई या कहीं पर सूखा पड़ गया, कोई पर्सन पर बार बार मुसीबतें आती ही जा रही हैं, तो क्या बोलते थे, अरे इसके स्टार्स तो इसके फेवर में है ही नहीं। तो यहाँ से ये डिजास्टर वर्ड आया है कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, इसके साथ हमेशा बुरा ही हो रहा है, स्टार्स इसके फेवर में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है, अभी भी माना जाता है कि स्टार्स जो होते हैं वो ह्यूमन डेस्टिनी को रूल करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब उसके स्टार्स उसके अगेंस्ट हैं। तो यहीं से ये शब्द आया है डिज़ास्टर। क्लियर हो गया डिज़ास्टर कहाँ से वर्ड आया, क्यों बोला जाता है डिज़ास्टर। यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर के कुछ पिक्स आप देख रहे हैं, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया है, साइक्लोन आ रहा है या आग लग गई है, तो ये सब बोला जाता था कि स्टार्स के थ्रू गवर्न हो रहे हैं, रूल किए जा रहे हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस के सिनोनिम्स भी देख लेते हैं, डिवास्टेटिंग, कलामिटस, ट्रैजिक, कैटास्ट्रोफिक, और एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेट, हैप्पी, लकी। मूव करते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ, जिसका जो है नोमोस। अभी हमने पढ़ा था ना जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट या ऑर्डर। इसका फर्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल, खगोल विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो नोमोस से बन रहा है वो है ऑटोनॉमी। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमी में जो एक और वर्ड आपको दिख रहा है वो है ऑटो, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है? द राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और रीजन टू बी इंडिपेंडेंट एंड गवर्न इटसेल्फ, कि ऐसी स्वायत्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता, कि कोई कंपनी जो है वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन के थ्रू चल रही है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार ये वर्ड आपने यूज़ किया होगा या न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। तो ऑटोनोमस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्वायत्त,
कि अपने आप से अपने लिए रूल बना सकती है, उसे फॉलो कर सकती है, किसी और का इस पर कंट्रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंट एंड हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजंस, तो उसे बोलेंगे हम ऑटोनॉमस। क्लियर हो गया? अब एक और वर्ड बन रहा है मेट्रोनॉमी। मेट्रोनॉमी में जो रूट वर्ड है वो है मेट्रॉन। मेट्रॉन के बारे में हमने पहले भी बात की थी, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। और जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है नोमोस, राइट? स्पेलिंग इसकी मैं दोबारा लिख रही हूँ, NOMOS, नोमोस। क्लियर? तो नोमोस का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। क्लियर? तो ये एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जो ऑडिबल क्लिक की साउंड सुनाई देती है या किसी और तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है एक रेगुलर इंटरवल पे। ये इस तरह का डिवाइस होता है, रेगुलर इंटरवल पे इससे एक साउंड निकलती है जो सेट की जा सकती है टिपिकली इन बीट्स पर मिनट पे। मोस्टली इसका यूज़ म्यूजिशंस करते हैं। तो मेट्रोनॉमी एक इस तरह का डिवाइस होता है। आई होप नोमोस से बनने वाले आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने जाना पीपल एंड द स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी अर्थ एंड इट्स लाइफ। आपको यहाँ पर एक मैं बता देती हूँ कि अर्थ के लिए जो रूट वर्ड है वो है जियो, ठीक है? जियो या जी, आप जी या जियो, ये रूट वर्ड है अर्थ के लिए। तो इससे रिलेटेड हम वर्ड्स पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट के बारे में बात करें, कि किस तरह से इन वर्ड्स से, इन रूट वर्ड्स से साइंटिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, उनके नेम्स डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आज का सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।